हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधांशु। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पीएसटेक कोरिया में। आज हम जानेंगे मल्टीमीटर को किसी तरीके से यूज ये है एक करें। डिजिटल मल्टीमीटर, इसी को किस तरीके से यूज करेंगे आज हम जानेंगे। ये है डिजिटल मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर का दो प्रो है, एक है रेड प्रो, मल्टीमीटर एक में तीन तीन जैक है, एक कॉमन जैक है। कॉमन जैक को हम ग्राउंड भी बोल सकते हैं, और एक मिली एम्पियर ओम का जैक है, और एक 10 एम्पियर का जैक है। कॉमन जैक में हम ब्लैक प्रो कनेक्ट करें, और वॉल्यूम मिली एम्पियर में हम रेड प्रो को कनेक्ट करें। मल्टीमीटर का ये है रेगुलेटर का स्विच, ये है डिस्प्ले, ये है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर में डिजिट में शो करेगा नंबर। वोल्टेज एसी का सिंबल है, इसमें हम एसी वोल्टेज को मेजरमेंट करें। एसी वोल्टेज 750 वोल्ट को इसमें मेजरमेंट करेंगे, और 200 वोल्ट को इसमें इसमें मिली मेजरमेंट एम्पियर को करेंगे। मेजरमेंट करेंगे। इसमें 10 एम्पियर को मेजरमेंट करेंगे, और इसमें एच एफ सी को मेजरमेंट करेंगे। इसमें जिसमें बजर मोड है स्पीकर, और बजर को इसमें मेजरमेंट करेंगे। जो जो के लिखा हुआ है इसमें रजिस्टर को चेक करेंगे, 200, 220 के, 200 के, 2000 के। इसमें रजिस्टर को चेक करेंगे कितना ओम है रजिस्टर। फिर इसमें डीसी वोल्टेज को चेक करना है, डीसी वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, 1000 वोल्ट डीसी को चेक करेंगे। इसमें ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएन। देखेंगे मल्टीमीटर का अंदर में क्या है, और मल्टीमीटर किसने काम करा है। चलिए, ये दो स्क्रू लगाए, स्क्रू खोलेंगे। इसको हम साइड में रखेंगे। मल्टीमीटर अंदर में कुछ नहीं है, बस एक 9 वोल्ट बैटरी है, और एक बजर के लिए स्पीकर है, और छोटे छोटे एसएमडी रजिस्टर, एसएमडी कैपेसिटर, पोलराइज का, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, और एक डायोड है, और अगल तरफ स्विच है, और ये डिस्प्ले है। और मल्टीमीटर में कुछ नहीं, ये एक आईसी चिप है।